इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान लैब असिस्टेंट साइंस का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा, रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हुई और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, और प्रीवियस ईयर्स की तुलना करने पर आपके कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। तो सबसे पहले मैं आपके रिजल्ट की चर्चा कर लेता हूँ कि भाई होम साइंस और जियोग्राफी का तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन साइंस के रिजल्ट में देरी इसलिए हुई क्योंकि साइंस का पेपर 2 दिन तक चला था, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होने के कारण साइंस का रिजल्ट इसी वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद नॉर्मलाइजेशन का जो वो फॉर्मूला बताएंगे, उसको कैसे उपयोग लेना है, वो जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रिजल्ट आने के बाद आपको यहीं पर वीडियो मिलेगा। अब बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। 2019 के पेपर में जो कट ऑफ रही उसके परसेंटेज के आधार पर मैं बताऊँगा 2022 में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपका 2019 में पेपर हुआ था वो आपका पेपर हुआ था 300 नंबर में से 300 का था, और 2022 में आपका पेपर था 400 का। तो आप देख सकते हो जनरल की कट ऑफ 2019 में गई थी 196.80, यानी कि 65.6%। अब 400 में से देखा जाए 65.6, 65 के आसपास कट ऑफ इस बार भी रहने के चांस है, तो आपकी कट ऑफ जाएगी 262.4 के आसपास। फीमेल में देखा जाए जनरल में तो प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ गई थी 186, यानी कि 62% गई थी, तो इस बार 62% से देखा जाए तो आपकी कट ऑफ 248 तक जा सकती है। उसके बाद आपके एससी कैटेगरी में जनरल देखा जाए तो आपके प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ रही है वो रही है 147.66, यानी कि 49.22%, जो कि उससे तुलना करने पर इस बार आपकी कट ऑफ जा सकती है 196.88 पर। उसके बाद आप फीमेल की कट ऑफ देख सकते हो, प्रीवियस ईयर्स में आपकी गई थी 133.39, यानी कि 44.46%, तो उससे तुलना करने पर इस बार आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 79.179.44। उसके बाद एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो जनरल की प्रीवियस ईयर में कट ऑफ थी 149.58, यानी कि 49.86%, उससे तुलना करने पर इस बार आपकी कट ऑफ जाएगी 199.44। फिर एसटी में फीमेल की कैटेगरी की कट ऑफ प्रीवियस ईयर में आपकी गई थी 144.85, यानी कि 48.28%, तो इससे तुलना करने पर आपके इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी 193.12 के आसपास। उसके बाद ओबीसी जनरल की बात करें तो प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ गई थी 188.15, यानी कि कितने परसेंटेज, 62.71%, तो उससे तुलना करने पर आपके देखा जा सकता है 250 के आसपास आपके इस बार भी कट ऑफ जाने के चांस है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में गई थी 181.26, यानी कि 60.42%, तो उससे तुलना करने पर इस बार आपकी कट ऑफ जा सकती है 241.68। उसके बाद एक्स सर्विसमैन में देखा जाए तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में एक्स सर्विसमैन में 107.96 कट ऑफ थी, यानी कि सिर्फ 35.98%, जो कि इस बार आपके जा सकती है 143.92 पर। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई थी 167, यानी कि 55.66%, तो आप देख सकते हो इस बार उसकी जाएगी कट ऑफ हो जाएगी 222.64% तक। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के बारे में देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ 120 गई थी कट ऑफ, तो इस बार देखा जाए यानी कि 40% ही गई, तो इस बार देखा जाए तो 160% 160 नंबर कट ऑफ जा सकती है। अब बात करता हूँ अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो अनुसूचित क्षेत्र में आप देख सकते हो जनरल की कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गई थी 138.88, यानी कि 46.29%, उसकी तुलना देखने पर इस बार आपकी जा सकती है 185.16। उसके बाद फीमेल की कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में 122.54 थी, यानी कि 40.84%, तो इस बार आपकी जा सकती है 163.36 के आसपास। उसके बाद एससी जनरल की कट ऑफ देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में 120.28, यानी कि 40.09% थी, तो इस बार आपकी जा सकती है 160.36। उसके बाद एसटी जनरल की देखी जाए तो प्रीवियस ईयर में 120.13, यानी कि 40.04% थी, तो इस बार आपकी जा सकती है 160.16 के आसपास। और डीवी की बात करें तो प्रीवियस ईयर में 138.88, यानी कि 46.29% कट ऑफ थी, तो उसकी तुलना करने पर इस बार आपकी 185.16 के आसपास जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रिजल्ट आने के बाद नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के कैसे उपयोग लेना है ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहीं पर वीडियो मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला आपको किस तरह से उपयोग करके अपने मार्क्स चेक करने हैं।